So ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only Mr. Subhash Gai. We have a small AV for him. ये हैं भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आइकॉन ऑफ इंडियन सिनेमा, द वन एंड ओनली सुभाष घई। लेट मी प्लीज इनवाइट ऑन स्टेज द आइकॉन ऑफ इंडियन सिनेमा मिस्टर घई। आई रिक्वेस्ट नन अदर देन माय फेवरेट एज वेल अ बिग फैन एंड ही इज हियर टुनाइट। इट्स अ प्लेजर टू कॉल हिज नेम आउट, मिस्टर जैकी श्रॉफ, प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज। We also have the super talented director, Mr. Rahul Ravel, on stage. Icon of Indian cinema, ladies and gentlemen, tonight. मैं दो शब्द नहीं कहूँगा, चार शब्द कहूँगा। सबसे पहले तो धन्यवाद जागरण फिल्म फेस्टिवल का, उनकी पूरी टीम का, जूरी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ बुलाया कि आपको लाइफ टाइम अचीव का अवार्ड दिया जाए। मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। मैं अपनी नई फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रहा था, उसका क्लाइमेक्स लिख रहा था अपने कंप्यूटर पर बैठ के। बड़ा एक्साइटेड था कि जो आने वाली फिल्म है वो एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनेगी और मैं उसको डायरेक्ट करूँगा। उतनी देर में मुझे फ़ोन आता है कि रुक जाइए, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिल रहा है। मतलब कि आप लाइफ हो गई आपकी। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा अभी तो मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ और बहुत जल्दी बनाऊँगा मैं फिल्म एज ए डायरेक्टर राइटर, और बहुत सी फिल्में बनाने का इरादा भी है। हर फिल्म जो होती है वो आपके लिए एक नई फिल्म होती है, नया एक्सपेरिमेंट होता है, नई डिस्कवरी होती है, नया जोश होता है। आप एज ए स्टूडेंट की तरह उस स्क्रिप्ट को लिखते हैं, उस फिल्म को बनाते हैं। आप कभी नहीं समझ सकते या समझते कि आपको बहुत कुछ आ गया है और अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। जो अचीव कर लिया वो तो पास्ट है, जो साल गुजर गए वो गुजर गए। इस साल मैं क्या कर रहा हूँ, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, कल क्या होने वाला है, उस पर मैं काम करता हूँ। फिर भी ये एक सम्मान है जो मैं बड़ा हर्षित होकर मैं इसको स्वीकार करता हूँ और नम्र से आपका सबका आभार महसूस करता हूँ। एक बात जो मैं आज के शाम को मैं कहना चाहूँगा आप सबको, यंग फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, इस अवार्ड में जीते भी हैं, और आपको भी सबको। इस फिल्म का नाम है जागरण फिल्म फेस्टिवल। जागरण का मतलब जागृति। हम वो फिल्मों की कहानियाँ कथाएँ बताएँ जहाँ पर जीवन में अपने बच्चों में एक नई जागृति पैदा हो। सबसे पहले मैं ये विनती करूंगा सभी फिल्म मेकर्स को, अगर आप हिंदी फिल्में बना रहे हैं, जो कि मैंने बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत टाइटल देखे, सिया, अव्वल, चिड़ियाखाना, अच्छे बड़े खूबसूरत नाम थे, फिर हम इंग्लिश में क्यों बोलते हैं? हम इंग्लिश में क्यों बोलते हैं या इंग्लिश में क्यों सुनना चाहते हैं? फिल्में हम हिंदी की बना रहे हैं, ऑडियंस हमारी हिंदी की है, दर्शक हमारे हिंदी के हैं, टाइटल्स हमारे हिंदी के हैं, कैरेक्टर्स हमारे हिंदी के हैं, और हम सोचते इंग्लिश में हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब बच्चों से कि जब आप फिल्म लिखें या बनाएं तो हिंदी की किताबें पढ़िए, हिंदी के उपन्यास पढ़िए, हिंदी के बारे सोचिए। बहुत बड़ा साहित्य है हमारे हिंदी में, बहुत बड़ी बड़ी
कविताएं हैं, कहानियां हैं, कथाएं हैं। आप जब बात भी करें या सोचें भी तो भी हिंदी में सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि आप जो फिल्म है, जो आप सोच रहे हैं, वो तीन गुना सत्य की तरफ जा रही है और लोग उससे प्रेम करने लग गए हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है सब बच्चों को कि प्रयत्न करें कि हिंदी में बात करें और हिंदी में सोचें और हिंदी में वार्तालाप करें। धन्यवाद। थैंक यू।